हेलो फ्रेंड्स, मैं सुन विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, गर्मी आ चुकी है और गर्मी में बनाने वाले काफ़ी छोटे छोटे कूलर्स, तो उसके लिए फ्रेंड्स छोटे कूलर में मोटर लगती है पानी की। और फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट से करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी मोटर, और वैसे लोकल मार्केट में तो मिलती भी नहीं, ऑनलाइन ही खरीदनी पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि कूलर बनाने से पहले उसके लिए एक पानी की जो मोटर होती है फ्रेंड्स, वो हम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद फ्रेंड्स कूलर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की जो हमारी मोटर होती है वो उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यूटी सोर्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हो तो फ्रेंड्स आपके लिए ही ये वेबसाइट बनी हुई है। आपको यहाँ पर सेंसर से लेकर सारी आईसी, सारे ट्रांजिस्टर, सारे प्रकार के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो सारे मिल जाते हैं ईजीली। यहाँ पर आपको रेसबेरी पाई, आर्डुइनो या फिर कोई भी जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये रोबोट से रिलेटेड सारे पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो आपको अगर ये खरीदने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हो और इन सब चीज़ों को खरीद सकते हो। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले यहाँ पर एक केप लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारी कप सिरप जो आता है उसके ऊपर केप लगा होता है, वो वाला केप है ये। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप कोई कोको कोला की बोतल होती है उसका केप जो होता है वो ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप दवाई का केप लेते हो तो फ्रेंड्स उसे पहले गर्म पानी से अच्छे से धो लें ताकि इसके बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें बीच मिडल पॉइंट निकालना है। हमें तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लाइनें खींच रहा हूँ कुछ, जिसके कारण इसमें बीच मिडल पॉइंट मिल चुका है हमें। इसमें हमें यहाँ पर होल करना होगा एक, तो यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो फ्रेंड्स आप कैंची का यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई चाकू होता है फ्रेंड्स उसका भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर होल करने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने होल कर दिया इसके अंदर, देख सकते हो। और इसके अंदर हम मोटर लगाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की मोटर जो होती है हमारी वो यूज़ करूँगा। और फ्रेंड, ये मैंने हमारे ट्रिमर जो होता है, जो दाढ़ी वाड़ी कटिंग करने के लिए आता है, उसका अंदर से निकाली है। अगर आपको ये नहीं मिलती फ्रेंड्स, तो आप जो हमारे टॉयज़ के अंदर निकलती है 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट की मोटर, वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इसके अंदर अच्छे से वर्क करेगी। या फिर आपके पास कोई 12 वोल्ट की मोटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो मोटर होती है फ्रेंड्स, वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मोटर और केप को चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं बोन फिक्स नाम की एक ट्यूब आती है वो यूज़ करूँगा। अगर आप फ्रेंड्स ये नहीं मिलती है तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे से चिपकाएगा। और फ्रेंड, ये वाली जो ट्यूब फ्रेंड्स आपने देखा होगा अक्सर, जो साइकिल के पंचर हो जाती है तो साइकिल पंचर के लिए हम निकालते हैं, तो सॉल्यूशन जो होता है फ्रेंड्स वो वाला ही ये ट्यूब है। तो ये 12 रुपये में आपको मिल जाएगी, 10 या 12 रुपये में छोटी वाली ट्यूब, तो आप वो ले सकते हो और उसको अच्छे से फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक केप ले रहा हूँ, और ये हमारा स्प्रे पेंट जो होता है उसका केप है। आपको कोई प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाता है फ्रेंड नरम वाला, तो वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे सीजर के द्वारा, इजीली कट हो जाएगा, काफ़ी नरम प्लास्टिक होती है इसकी। तो देख सकते हो मैंने कट कर लिया है। अब इसे मैं गर्म करूँगा गैस के ऊपर और फ्लैट सरफेस पर इसे ठंडा करूँगा, जिससे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अब ये हमारा प्लास्टिक का टुकड़ा बन चुका है। तो अब हम केप के अंदर का नाप ले लेंगे। आपके पास जो केप होता है फ्रेंड्स, वो आप उसका नाप ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सबकी केप की जो साइज़ होती है वो छोटी बड़ी होती है। तो वो जो केप की साइज़ होगी फ्रेंड्स, उससे थोड़ा छोटी साइज में आपको यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करना होगा इसके ऊपर। और यहाँ पर जो हमने सर्किल ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, उसको हम कट कर लेंगे ईजिली। तो कैंची के द्वारा आप कट कर सकते हो फ्रेंड्स इस टाइप से गोल सर्किल। अब वो फ्रेंड्स इसका हमें बीच में एक होल करना होगा, और होल इतना बड़ा होना चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारी मोटर है उस मोटर की शाफ्ट इसके अंदर फंस जाए। ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, वरना ये राउंड राउंड घूमेगा और फ्रेंड्स स्लिप खाएगा हमारे मोटर के ऊपर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक पट्टी कट की है मैंने, 0.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 0.7 सेंटीमीटर के मैंने यहाँ पर टुकड़े कट कर लिए हैं। थोड़ी बहुत नाप ऊपर नीचे चल जाएगा, ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रेगमाल ले रहा हूँ, सैंड पेपर, उसके द्वारा इसको हम ऊपर से घीस लेंगे जो हमने सर्किल कट किया था। और फ्रेंड्स रेगमाल नहीं मिलता है आपको तो आप किसी खुरदुरी पट्टी जो होती है ज़मीन पे, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर घीस लीजिए इसको, तो ये रफ़ हो जाएगा, जिससे फ्रेंड्स इसके ऊपर हम चिपकाएंगे पट्टियों को तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। यहाँ पर आपको एक प्लस इसके ऊपर बनाना है, जो हमारा गोल सर्किल है उसके ऊपर, और जो हमने प्लस बनाया उसके ऊपर हमें 4 पत्तियाँ चिपकानी है प्लास्टिक के टुकड़े। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ पूरा। और फ्रेंड्स मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें अधिकतर घर में जो यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, उन सारे चीज़ों का यूज़ करके बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि मार्केट से लेके आ जाता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये हमारा अंदर का पंखा तैयार हो चुका है। अब हमें मोटर के अंदर इसे लगाना होगा इस टाइप से। लेकिन फ्रेंड्स अब हम इसे यहाँ पर नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि इसे बाद में लगाना है, क्योंकि पहले यहाँ पर इसे पानी बाहर निकलने के लिए एक निपल लगानी होगी। तो निपल लगाने के लिए मैं एक पेन का यूज़ कर रहा हूँ,
जो हमारा मार्कर होता है खराब वाला आप ले सकते हो, या फिर कोई पेन होता है फ्रेंड्स वो भी यूज़ कर सकते हो आप। तो इसका पाइप जो है फ्रेंड्स हम बनाएंगे, तो इसे हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, पीछे की साइड से मैंने थोड़ा राउंड शेप दिया इसको, आप चाकू से राउंड शेप दे दीजिए इसको, ताकि ये हमारा जो केप है उसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएगा इस टाइप से। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसको लगाने के लिए इसे पहले मार्किंग कर लेंगे, ताकि एक होल कर सके जिसमें हमारा पानी बाहर निकल सके यहाँ से। तो ये मैंने मार्किंग ले ली और इसके अंदर यहाँ पर होल कर देता हूँ मैं, और होल करने के लिए मैं हमारा सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हो आप ये परफेक्ट होल कर देगा इसके अंदर, ये होल हो चुका है। और इस ऊपर से मैंने रफ़ कर लिया ताकि ये सुपर ग्लू इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लगाना है हमें, ठीक है। और सुपर ग्लू का आपको यूज़ करना है यहाँ पर इसे चिपकाते समय, अगर सुपर ग्लू बड़ी बोतल नहीं मिलती तो 5 रुपये की फेक ही आती है फ्रेंड्स, वो आप चिपका सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, वो सभी के घर पर मिली जाती है। तो इस टाइप से इसको चिपका लीजिए, और ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होनी चाहिए वरना पानी लीकेज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, अब हमारा जो प्रोपेलर है फ्रेंड्स, जो पंखा है उसको हम अंदर की साइड में लगा देंगे इस टाइप से, और जो शाफ्ट है उसके ऊपर फ्रेंड्स एक बूंद हमारे सुपर ग्लू की डाल देंगे, ताकि ये फिक्स हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। अब फ्रेंड ये केप का जो एक्स्ट्रा वाला जो भाग दिख रहा है आपको जो बाहर निकला हुआ, इसको हमें कट करना होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा प्रेशर को कम कर देगा, पानी का जो प्रेशर है उसको कम कर देगा। तो इसे सीजर के द्वारा कट कर लेंगे, काफ़ी ईजिली कट जाएगा ये, ऐसा नहीं कि काफ़ी नर्म प्लास्टिक है तो सीजर के द्वारा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे कट कर लिया है बिल्कुल शेप में। इसके बाद एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले रहा हूँ मैं, और इसका फ्रेंड्स पैकिंग बनाएंगे हम। तो इस टाइप से ऊपर रख दीजिए हमारे मोटर को, और इसकी मार्किंग ले लीजिए सामने की साइड से, तो बिल्कुल सही मार्किंग लेना है आपको, और इसको कट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा भाग होगा फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा साइज कर लीजिए हल्का सा, जिसमें वीडियो में देख सकते हो आप जो मार्किंग की है उसे थोड़ा बड़ी साइज में कट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में इसे हम घिस घुसा के सही कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है फ्रेंड्स, अब बीच में यहाँ पर एक होल करना होगा हमें, ताकि हमारा पानी अंदर आने के लिए जगह रहेगी इसमें, मोटर के अंदर पानी भी तो जाना चाहिए तभी ऊपर फेंकेगी। तो यहाँ पर मैंने होल कर दिया है, और जो हमारा पेन जो था मार्कर उसका मैंने एक टुकड़ा कट कर लिया है गोल साइज में, जो हमारे अंदर की साइड में पानी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसे लगा दीजिए और सुपर ग्लू से चिपका दीजिए। तो थोड़ा सा देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने बाहर की साइड में भी निकाला है, और आगे की साइड में अंदर की साइड में भी थोड़ा मैंने टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड इस टाइप से लग जाएगा, और ध्यान रखें अंदर वाला टुकड़ा इस पंखे के टच नहीं होना चाहिए वरना ये रुक जाएगा, ठीक है, हल्का सा दूर रहना चाहिए। अब वो फ्रेंड्स हमारा पंखा है फ्रेंड्स इस टाइप से घूमना चाहिए कि जब सारा का सारा पानी ये नोजल जो ऊपर लगा हुआ है पाइप उसके ऊपर फेंकना चाहिए। अगर उल्टा चलेगा फ्रेंड्स तो ये प्रेशर नहीं बना पाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, फिर आप बोलोगे कि हमारा तो काम ही नहीं किया फ्रेंड्स और वीडियो फेक बनाया। तो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, मैं बताता हूँ आप ऐसा नहीं करते हो, थोड़ा अपना कुछ अलग से लगा लेते हो तो फिर वर्क नहीं करता है, फिर बोलते हो कि हमारा वर्क नहीं किया। तो इस टाइप से देख सकते हो फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब वो फ्रेंड्स हम मोटर के ऊपर वायर कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस देख सकते हो आप अपने हिसाब से कि पंखा किस टाइप डायरेक्शन में घुमाना है आपको। अब यहाँ पर मैं जिप टाइप बांध रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जिप टाइप नहीं मिलती फ्रेंड्स तो आप डायरेक्ट नोट भी लगा सकते हो इसके ऊपर, गिठान बांध सकते हो। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि हमारे तार खींचने में नहीं आएंगे और अंदर से खुलेंगे नहीं, अगर ये खुल गया तो फिर अंदर सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले रहा हूँ, मतलब ये पाइप का टुकड़ा ले रहा हूँ, और इसकी जो साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपकी जो मोटर होगी फ्रेंड्स उसकी साइज के हिसाब से ले सकते हो। इसके अंदर मोटर आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अब मोटर को वाटरप्रूफ बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो मोटर फ्रेंड पानी के अंदर डूबी हुई रहेगी तो पानी नहीं घुसे, इसके लिए मैं इसको लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको लगा दिया है, और आगे से थोड़ी मैंने गैप रखी है मोटर के, यहाँ पर पीछे से मैंने इसे खुला रखा है अभी, तो इसे पैक करना होगा। तो इसका मैं कारण आपको बताऊंगा, मैंने आगे से इसको गैप क्यों रखी इतनी। तो ये प्लास्टिक का टुकड़ा मैं इसके पीछे की साइड में लगा देता हूँ, एक बीच में होल कर रखा है जिसमें वायर निकला हुआ है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से लगाने के बाद फ्रेंड इसको सुपर ग्लू से हम चिपका देंगे, और ध्यान रखना है बिल्कुल भी गैपिंग नहीं रहनी चाहिए, इसमें पानी नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये होल है, इसको भी भरना होगा, और ये हमने गैपिंग रखी है। तो फ्रेंड गैप इसलिए रखी थी फ्रेंड ताकि हम इसमें जो हम हमारा हॉट ग्लू जो डालेंगे हमारा, तो ये अच्छे से इसके अंदर चला जाए। अगर हम गैपिंग नहीं रखते तो फ्रेंड इसको अंदर जाने के लिए एक जगह ही नहीं मिलती, और फ्रेंड बाद में निकल जाता है। आपको पता है कि हॉट जो ग्लू होता है हमारा ये बाद में खुल जाता है, इतना ताकत लगाने पर थोड़ी सी हल्का सा ताकत लगाएंगे तो निकल जाएगा, तो इसको अंदर तक चल जाएगा फ्रेंड, इसके बाद ये निकलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने गैपिंग रखी थी इसकी। तो पीछे की साइड से भी इसको हम पैक कर देंगे, ठीक है। अब वो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है, अब देख सकते हो इसको हम थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे, इसके जो एक्स्ट्रा भाग है उसको कट कर देंगे, जो प्लास्टिक के हमने टुकड़े लगाए थे इसके अंदर, जो पैकिंग लगाई थी उसको हम थोड़ा कट करके
इसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा वाले भाग है। रेगमाल से आप घिस सकते हो, सैंड पेपर से घिस कर बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये थोड़ी गंदी दिख रही है, हमारी पूरी परफेक्ट तो हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट से खरीद के लाए। तो इसे मार्केट जैसी बनाने के लिए फ्रेंड इसके ऊपर हम कलर करेंगे। अगर आप कलर नहीं करोगे तो भी फ्रेंड ये चलेगी अच्छे से, लेकिन कलर कर दोगे तो इसके दो फायदे यूँ हैं कि फ्रेंड देखते हो लुकिंग में भी अच्छी दिखेगी। दूसरा वाला है कि इसके अंदर कोई अगर होल होगा जिसके अंदर पानी जा सकता है मोटर के अंदर, तो ये कलर फ्रेंड इसके ऊपर एक लेमिनेशन टाइप का परत बना देगा जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्प्रे कलर कर रहा हूँ, 110 रुपये की बोतल मिलती है फ्रेंड्स ये, और ये वाला नहीं मिलता तो आप हाथ से भी इसमें ब्रश से कलर कर सकते हो, कोई सा भी कलर कर लीजिए आप, जो आपको अच्छा लगता है वो वाला कलर इसके अंदर कर सकते हो आप। तो फ्रेंड देख सकते हो हमारी मोटर है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और इसके ऊपर मैंने कलर कर लिया है, और फ्रेंड्स लुकिंग में इतनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स ये कि जैसे कि वो मार्केट से खरीद के लाए, इसको ऐसा नहीं लग रहा है हमने घर पे बनाया है। और आपको पता है फ्रेंड्स मैंने पूरी वीडियोस में जितना भी सामान यूज़ किया है सारा का सारा घर के अंदर से निकाला, कहीं मार्केट से लेके नहीं आया हो, क्योंकि ये सामान आपको मार्केट से लेके आना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आप अगर आपको ग्लू नहीं मिलता है जो सॉल्यूशन में यूज़ होता है, जो हमारे साइकिल रिपेयरिंग में यूज़ होता है, तो आप उसकी जगह जो हमारा ग्लू गन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो भी हमारा अच्छे से वर्क करेगा इसके अंदर। तो इसको चालू करके देख लेते हैं कितना ज़्यादा इसका प्रेशर है। तो फिर आप इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हो मैंने पूरी मोटर को पानी के अंदर डाल दिया, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा क्योंकि हमने इसे वाटरप्रूफ बनाया है। और यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये हमारी 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की जो हमारी मोटर थी, अगर आपके पास 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट की मोटर होगी तो आप 6 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हो इसके अंदर। और देख सकते हो फ्रेंड्स इसका प्रेशर काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, जो हमारी 12 वोल्ट की मोटर मिलती है ऑनलाइन उससे काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास वो एक पहले पड़ी थी, लेकिन फ्रेंड्स उसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था जितना इसका प्रेशर है। देख सकते हो आप, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, काफ़ी मोटी धार है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको पतली कर दूंगा तो फ्रेंड्स और भी ज़्यादा आगे तक फेंकेगी ये पानी को, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा जो पाइप होगा जो कूलर के अंदर हम डालेंगे तो वो इतना ही मोटा होगा, और फ्रेंड्स ये काफ़ी ऊपर तक पानी फेंक देगी। देख सकते हो आप, इसमें मैंने कोई पाइप नहीं लगाया, बस ये मोटर की धार से ही इतनी ऊपर तक जा रहा है। तो हम इसमें पानी की अगर पाइप लगा देंगे छोटी वाली पतली वाली, तो और भी ज़्यादा ऊपर तक ये पानी पहुँचा देगी, इसका प्रेशर काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो जो हमारी मोटर छोटी वाली मोटर है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो 12 वोल्ट की 775 डीसी मोटर होती है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है फ्रेंड्स कि लगभग वो आपको 20 से 25 फीट दूर तक पानी फेंक सकती है, और बिना किसी पाइप के, बस वो खुद की दम पर धार इतनी तेज तक फेंक सकती है। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन उसमें मोटर जो है फ्रेंड बड़ी वाली मोटर लगाई थी मैंने, लेकिन ये जो छोटी मोटर है ये भी काफ़ी अच्छा प्रेशर दे रखी है, हमारे कूलर में काफ़ी काम में आएगी है। और इससे आप कोई डेकोरेशन के लिए हमारा फॉर्मवारा भी बना सकते हो छोटा वाला, जो आप अपने घर में लगा सकते हो और बैटरी से चला सकते हो उसको, या फिर एडाप्टर से भी चला सकते हो उसको इस टाइप से। तो वीडियो फ्रेंड्स इस टाइप की अगर देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, और भी वीडियोज़ मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स अभी कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा खौफ चल रहा है, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप घर पर रहिए। जो सरकार ने बोला है लॉकडाउन किया है अपनी सिटीज़ को, तो उनका आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि बाहर मत घूमिए ज़्यादा, क्योंकि आप अगर घर में रहोगे तो आप बच सकते हो इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।